गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास फाइव के चैप्टर टू, साइंस का चैप्टर टू, वेरिंग लाइफ स्टाइल इन एनिमल्स का स्टडी करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे है बॉडी कवरिंग, मूवमेंट, ब्रीथिंग, फीडिंग हैबिट्स, माइग्रेशन एमोंग एनिमल्स। यही सब पॉइंट के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एनिमल्स जो है ये सभी जगह पाया जाता है, चाहे वह पानी हो, लैंड हो, एयर हो या ट्री हो, ये सभी जगह पाया जाता है। इसलिए द नेचुरल सराउंडिंग इन बीच एंड एनिमल लिव्स एंड सर्वाइव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। यानी वह प्राकृतिक जगह है जहाँ ये जानवर रहते हैं और जीते हैं, इसे हम लोग हैबिटेट्स कहते हैं। और द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू सर्वाइव इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट बाई डेवलपिंग स्पेशल बॉडी फीचर इज कॉल्ड एडाप्टेशन। और वह क्षमता, वह गुण जिसमें कोई भी एनिमल जीता है किसी खास हैबिटेट में और उसके अनुसार उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वह डेवलप करता है, इसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। अब ये देखते हुए एनिमल्स के का सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, यानी कि उसमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, उसको देखते हुए हम इसे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और एनिमल्स को मुख्यतः हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये क्या है ग्रुप्स? तो इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब हमको जानना है कि इनवर्टिब्रेट्स क्या है और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स होता है अरीढ़धारी और वर्टिब्रेट्स मीन्स होता है रीढ़धारी। तो अब इनवर्टिब्रेट्स किसे कहेंगे? तो एनिमल्स विदाउट बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, बॉर्म, स्मॉल एनिमल, ईटीसी। यानी वैसे एनिमल्स, वैसे जानवर जिनमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। दूसरी तरह वर्टिब्रेट्स, तो एनिमल्स विथ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन बींग, ईटीसी। यानी वैसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन पाए जाते हैं उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, रीढ़धारी कहते हैं। जैसे जितनी भी मछलियाँ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग भी जो हैं ये वर्टिब्रेट में ही आते हैं। अब यहाँ कुछ हम लोग को बताया गया है, कुछ कैटेगरी यहाँ दिखाया गया है एनिमल्स का। अब हमको इसमें बताना है कि ये क्या है। तो फर्स्ट में एम्फीबियंस होगा, सेकेंड में रेप्टाइल्स, थर्ड में फिश, फोर्थ में बर्ड्स एंड फिफ्थ में मैमल्स। इसे देखकर अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। अब हम लोगों को आगे देखना है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, कैसे बॉडी कवर रहता है कोई भी एनिमल्स का। तो ये जो है उसके हैबिटेट पर निर्भर करता है, कहाँ यह एनिमल्स पाया जाता है उसके अनुसार उसका बॉडी कवर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंसेक्ट के बारे में जानेंगे। तो इंसेक्ट्स हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ टीनी हार्ड स्केल। जो इंसेक्ट हैं इनके बॉडी, जितने भी इंसेक्ट मीन्स होता है कीट पतंग, यानी जितने भी कीट पतंग हैं इनके बॉडी जो है ऊपर एक टीनी हार्ड सेल से कवर किया हुआ रहता है। सेकेंड है फिशेस, यानी मछलियाँ। तो फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल इन रिवर्स इन रॉ ऑन देयर बैक। दीज फ्लेक्सिबल स्केल्स आर वाटरप्रूफ एंड हेल्प देम इन स्विमिंग। फिश के शरीर के ऊपर में स्केल पाए जाते हैं, यानी छिलका पाया जाता है, चुइयाँ पाया जाता है, और इसके बीच में एक बैकबोन होता है, बोन होता है, जिसके कारण ये क्या करता है कि शरीर को इधर से उधर मोड़ता है और पानी में आराम से तो तैरता है। और इसके साथ साथ जो इसमें स्केल पाए जाते हैं, छिलका पाए जाते हैं, जिससे यह वाटरप्रूफ होता है, यानी पानी में रहते हुए भी वह उसका असर पानी पर नहीं पड़ता है। थर्ड है बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्या होता है?
कि बर्ड्स जो है इसके बॉडी में फीदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, जो इसके बॉडी को गर्म रखता है और इसे उड़ने में मदद करता है। फोर्थ हो गया रेप्टाइल। रेप्टाइल मीन्स होता है रेंगने वाले जीव। तो ये कैसे होते हैं? तो इनमें भी ड्राई हार्ड स्केल पाए जाते हैं, जो इसे बॉडी से ज़्यादा इवापोरेशन ना हो जाए, पानी बाहर ना निकल जाए, तो ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। फॉर एग्जांपल टोर्टाइज। टोर्टाइज में जैसे हार्ड सेल होता है जो उसके सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ में आ गया मेमल्स। मेमल्स का मतलब होता है कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है या अपने जैसे अपने बच्चे को जन्म देती है। तो इसके बॉडी के ऊपर में भी हेयर होता है, कवर रहता है हेयर से, फर से, ऊल से और ब्रिस्टल से। और ये इसको क्या करता है कि ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा रखता है। इसके साथ साथ ये वर्षा से भी हमें बचाता है। अब हम लोग को देखना है मूवमेंट इन एनिमल्स, कैसे मूवमेंट, कैसे चलन होता है, यानी कैसे ये मूवमेंट करता है एनिमल्स। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता है। क्यों? क्योंकि भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने दुश्मनों से। तो उसके अनुसार अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनके मूविंग ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ रेप्टाइल्स के बारे में जानेंगे। तो रेप्टाइल्स मीन्स होता है, अभी बताए कि रेप्टाइल्स मीन्स होता है रेंगने वाले जीव, जैसे लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टोर्टाइज। और इनमें क्या होते हैं? तो इनमें छोटे छोटे चार लेग्स पाए जाते हैं और इसी के सहारे ये क्रोल करता है, अपने बेलिस के सहारे पेट की सतह को लेकर के ये रेंगता है। टर्टल में जो होता है इसमें भी फोर लिम्स पाए जाते हैं, परंतु इनमें पैडल लाइक उसके पैर होते हैं, पैडल जैसा, जिसके सहारे हुआ पानी में तैर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो स्नेक्स में पैर नहीं पाए जाते हैं, इनमें स्केल पाए जाते हैं बॉडी के अंडर साइड में, जो इसे आसानी से रेंग रेंग करके ज़मीन पे चलने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियन मीन्स होता है वैसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह लीव करता है, यानी रहता है। एनिमल्स विच लीव बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, टोड, इटीसी। तो ये क्या करता है? इनमें होप होते हैं और जिसके सहारे ये ग्राउंड पर अपने पैर के सहारे ये होप करता है, यानी फुदकता है और फुदक फुदक करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके साथ जो इसके पैर होते हैं ये बेवेट फीट होते हैं, यानी मोटे गद्देदार होते हैं, जिसके सहारे ये पानी में आसानी से तैरता है। अब हम लोग इंसेक्ट के बारे में देखेंगे। तो इंसेक्ट में छह पैर होते हैं जिसके सहारे ये आसानी से रेंगता है, चलता है, फुदकता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्क्यूटो एंड ड्रैगन फ्लाई। ये जो है सिर्फ अपने विंग्स के सहारे ये उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। उसी तरह बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी उड़ते हैं। तो इनका उड़ने का मेन कारण होता है कि इनके जो बोन होते हैं, इनके बॉडी में जो बोन्स पाए जाते हैं ये होलो होते हैं, खाली पाइप की तरह होते हैं और उनमें हवा भरा हुआ होता है, जिसके कारण ये काफ़ी हल्का होता है और ये इजी से उड़ सकता है। इनमें पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, ये काफ़ी पावरफुल, इनके जो मसल्स होते हैं ये काफ़ी पावरफुल्स होते हैं, जो इन्हें उड़ने में मदद करता है। इसके साथ साथ इनमें पैर पाए जाते हैं जिनसे ये मूव करता है, बाल करता है और हॉप करता है। अब हम लोग मैमल्स के बारे में जानेंगे। तो मैमल्स में टू फ्रंट लेग, जिसे हम लोग फोर लिम कहते हैं, और टू बैक लेग होता है जिसे हम लोग हैंड लिम कहते हैं। और इसका यूज क्या है? तो ये उसी लिम्स के द्वारा चलता है, दौड़ता है, कूदता है और तैरता है। लेकिन दूसरी तरफ मैमल्स में हम लोग ह्यूमन बींग को देखें तो इनमें लेग एंड फीट पाया जाता है, जिसके सहारे हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं और दौड़ते हैं। इनमें जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी में जो लेग होता है, जिसके सहारे ये हमारे पूरे बॉडी को
को सपोर्ट देता है, यानी खड़े होने में मदद करता है। अब यहाँ कुछ दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग एनिमल्स आफ्टर रीडिंग द गिवन सेंटेंस। तो अब हमको देखना है ए फिश विच इज ए मैमल, कौन ऐसा फिश है जो मैमल है, तो ये व्हेल होगा। दूसरा में पोलर, ये बियर जो पाया जाता है पोल्स में उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोलर बियर कहते हैं। स्लो मूविंग करने वाले जो हार्ड सेल के अंदर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो टर्टल कहते हैं। वैसे एनिमल्स जिनमें हॉलो बोन्स होते हैं और जिसके कारण ये आसानी से उड़ते हैं, जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं। और एनिमल्स विदाउट बैकबोन, यानी वैसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाता उसे हम लोग वॉर्म कहते हैं। अब हम लोग को देखना है ब्रीथिंग ऑर्गेन इन एनिमल्स, कौन से एनिमल्स में ये कहते इनका ब्रीथिंग ऑर्गेन, यानी सांस लेने का जो ऑर्गेन है वह क्या है। तो हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं एनर्जी के लिए। अब ये ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स में एक तरह का ऑर्गेन नहीं होता है ब्रीथिंग ऑर्गेन। जैसे सबसे पहले हम लोग इंसेक्ट के बारे में देखेंगे, तो इंसेक्ट में टीनी होल्स पाए जाते हैं, छोटे महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्पाइरिकल्स कहते हैं, और ये बॉडी के दोनों तरफ होता है और इसी से वह सांस लेता है। उसी तरह हम लोग फिशेस में देखेंगे तो फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं, ये गिल्स से सांस लेता है। तो ये गिल्स से सांस कैसे लेता है, तो चूंकि ये पानी में रहता है और पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, ये गिल्स के द्वारा उस पानी को लेता है और ये गिल्स क्या करता है कि घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को बाहर निकाल देता है। उसी तरह एम्फीबियंस है, ये दो तरह से सांस लेता है। जब ये पानी के अंदर होता है तो ये मॉइस्ट स्किन से लेता है, यानी अपने भींगे हुए चमड़े से सांस लेता है। और जब ये पानी के अंदर, जब पानी के बाहर रहता है तो ये लंग्स से लेता है। उसी तरह रिप्टाइल्स है, ये भी लंग्स से लेता है। बर्ड्स है तो ये भी लंग्स से ही ब्रेथ करता है। अब हम लोग मैमल्स देखेंगे, तो मैमल्स तो मुख्यतः जो है इसका ब्रीथिंग ऑर्गेन है ये लंग्स है। ये बहुत सारे ऑर्गन से होता हुआ ये लंग्स तक पहुंचता है, जैसे नोज, विंड पाइप, उसके बाद ये लंग्स तक पहुंचता है। ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वेल एंड डॉल्फिन ये भी मैमल्स हैं, ये भी लंग्स से ही सांस लेते हैं। अब हम लोग को देखना है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, इनका खाने का तरीका क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि सभी एनिमल्स बिना भोजन के जी नहीं सकते हैं, उन्हें जीने के लिए, बढ़ने के लिए, एनर्जी के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन उनका मुंह पाट को देखते हुए हम लोग उनके भोजन के बारे में जान सकते हैं। तो उनके भोजन के आधार पर हम लोग एनिमल्स को यहाँ 5 कैटेगरी में बांटे हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, रोडेंट एंड माइग्रेशन। तो सबसे पहले है हार्बीवोरस। तो एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पेड़ पौधे को खाना पसंद करते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं। इनके जो टीथ होते हैं ये मोलर और प्लीमोलर जो है ये काफ़ी फ्लैट होते हैं, इंसाइजर फ्लैट होते हैं, और मोलर और प्रीमोलर जो है ये भी फ्लैट होते हैं, जिससे ये आसानी से प्लांट को चबा चबा करके खाता है। और ये हार्बीवोरस में केनाइन नहीं पाए जाते हैं। कार्निवोरस ये प्लांट एनिमल्स फ्लाई सीटिंग एनिमल्स हैं, इनके जो टीथ होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं, जो केनाइन होते हैं ये काफ़ी डेवलप होते हैं, जिसके सहारे ये फ्लाइज को चीर फाड़ करके टियर करके खाता है। और इनके जो मोलर और प्रीमोलर होते हैं ये भी काफ़ी ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिससे ये बोन को भी आसानी से च्यू करता है, चबा चबा कर खा लेता है। ओमनीवोरस तो एनिमल्स ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। इनके जो टीथ होते हैं इनमें जो इंसाइजर और केनाइन होते हैं ये ब्रॉड होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। रोडेंट जो कुतर कुतर कर अपना भोजन करते हैं, जैसे रैट, स्क्रुएल, इनके जो इंसाइजर होते हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे यह फूड, सीड ये सबको कुतर कुतर करके खाते हैं। अब यहाँ आ गया माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन इज़ द मास मूवमेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स फॉर एवॉइडिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। माइग्रेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जब किसी भी एनिमल्स को अपने
अनुसार उनके जीने के अनुसार उन्हें वेदर कंडीशन नहीं मिलता है तो वह बहुत दूरी चला जाता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ माइल जो है चला जाता है, और फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन आता है तो वह पुनः रिटर्न हो जाता है। इसे ही हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। अब हमको देखना है कौन कौन से ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं। तो इसमें है साइबेरियन क्रेन, ये 6450 किलोमीटर चला जाता है इंडिया इन विंटर एंड फ्लाई बैक टू साइबेरियन इन समर। विंटर में इंडिया चला आता है और फिर पुनः यह साइबेरिया चला जाता है। उसी तरह मोनार्क बटरफ्लाई है, ये भी कनाडा टू मैक्सिको, कनाडा से मैक्सिको चला जाता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है। उसी तरह सेल वेल स्विम फ्रॉम अलास्का टू साउथ पैसिफिक ओशन। उसी तरह आर्टिक टर्न जो है, इसे हम लोग चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। ये फ्लाई करता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ड्यूरिंग विंटर एंड बैक टू नॉर्थ पोल व्हेन विंटर इज ओवर। जब ठंडा आता है तो ऐसे कंडीशन में ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल चला जाता है, और जब विंटर ख़त्म होता है तो पुनः यह बैक हो जाता है। हार्मफुल इंसेक्ट लाइक लोकस्ट माइग्रेट्स इन स्वार्म एंड डैमेज द इंटायर स्टैंडिंग क्रॉप। उसी तरह एक हार्मफुल इंसेक्ट भी है जो हमें काफ़ी हानि पहुंचाता है, जिसे हम लोकस्ट कहते हैं। ये भी माइग्रेट होकर चला आता है जिसमें हमारे फसल खड़े होते हैं रहते हैं, और इन्हें यह आकर के क्षति पहुँचा जाता है। अब हम लोगों को यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसे देख लेना है अच्छी तरह से और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। नीचे गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच है, इसे भी हम यहाँ फिलअप कर दिए हैं, इसे भी देख लेना है। और यहाँ गिव रीजन है, इसे अच्छी तरह कॉपी में लिख लेनी है। और रह गया अब ये क्वेश्चन आंसर, जिसे फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।